शम्मा तिवारी आपके गुरुजी की अर्धांगिनी है, आप उनको क्या बोलते हैं? उनको मैं बैटरी थोड़ी ला रही, सब थकते हैं भाई, हरी मिर्च ज्यादा खाता था छोटा सा, तब हरी मिर्च खाते हैं तो हरी मिर्च तल के खाते हैं या फिर चटनी बना के खाते हैं? टेम पोजीशन मिल जाए उसी खा ले। गुरु माता से बाल भड़ा रखे हैं, एक अलग स्टाइल आपने ले रखी है इसके। गुरु का जो ऋण होता है हर एक शिष्य के ऊपर में, वो इतना बड़ा ऋण होता है कि उसको चुकाने के लिए पूरा समय पूरा जीवन लग जाता है। हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने बचपन में अपने गुरु की शरण में आना पड़ा और उन गुरु ने उनको एक नाम दिया, एक ऐसा नामकरण दिया जो पूरे हरियाणा सहित पूरे जो उत्तर भारत है उसमें वो प्रसिद्ध हो चुका नाम, और आज लोगों के जबान पे एक ही नाम रहता है। गायकी की अगर बात करते हैं तो हरी मिर्च। आज हमारे साथ में है हरी मिर्च, जिनका नाम तो वैसे इनका आशीष है लेकिन हरी मिर्च के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। मैं थोड़ा सा, हम लोग आपस में दोस्त के नाते एक बार बातचीत करना चाहेंगे एक दूसरे से। हरी मिर्च स्वागत है आपका। धन्यवाद, राम राम सभी को, नमस्कार। आपने गुरु की तरह गले में गोल्ड का ये पहना हुआ है, क्या कारण है ये? गुरुजी ने मुझे अपने जो बर्थडे था उस पे गिफ्ट की। आपके बर्थडे पे या गुरुजी के? मेरे बर्थडे पे। कब आता है आपका बर्थडे? 25 अगस्त। 25 अगस्त को, नोट कर लीजिएगा, 25 अगस्त को हरी मिर्च का जन्मदिन होता है। लेकिन अभी क्या करें, जा चुका अभी तो आएगा 2020 में आएगा। आप छोटे थे, कितनी उम्र में आप अपने गुरु के पास? मैं लगभग 8 साल का था और मुझे गाने का शुरू से ही शौक था। जो गांव में अपने जो महिलाएं गीत वीत जो ब्याह शादी में होया करते, मैं अपनी मम्मी के साथ जाता था उन्हें, तो शौक तो मुझे पहले से ही था। फिर मैं स्कूल में जैसे जाने लगा तो स्कूल में भी टीचर सब, मेरी कभी फीस नहीं ली स्कूल में, फ्री पढ़ता था। मुझे पूछते थे भाई वो कहाँ गया, 26 जनवरी, 15 अगस्त, एनुअल डे फंक्शन, इनमें मैं काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेता। तो एक दिन ऐसे हमारे गाँव में बाबा चतुर्दास जी महाराज, उनके मंदिर पर हर साल कार्यक्रम होते हैं, तो गुरुजी वहाँ कम से कम 7-8 बार आ चुके हैं, 7-8 साल लगातार मेरा उनसे कभी कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो एक दिन मैं अपने स्कूल में गा रहा था और गुरुजी एज ए गेस्ट मुख्य अतिथि के तौर पे मेरे स्कूल में आए, तो वहीं मैंने उनका स्वागत गीत गाया, उसी से गुरुजी ने प्रभावित होकर मेरे घर आके फिर बोला भाई मैं लेके जाऊँ। अच्छा, एक अंदर की बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे। आप अपने गुरु अमित चौधरी जी को आप भाई कह के संबोधित करते हैं, गुरु कह के संबोधित करते हैं या पिता तुल्य संबोधित करते हैं? नहीं, मैं गुरु कह के संबोधित करता हूँ, और जो गुरु का दर्जा होता है वो पिता से भगवान से भी बढ़कर बताया है। गुरु, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वो गुरु है, तो मैं गुरु बोलता हूँ। गुरु बोलते हैं। अभी दूसरा, मेरे को अभी थोड़ी देर पहले पता लगा कि शम्मा तिवारी आपके गुरु जी की अर्धांगिनी है, आप उनको क्या बोलते हैं? उनको मैं गुरु माता। गुरु माता। तो आप अपनी गुरु माता के साथ में बहुत से आप कार्यक्रम करते हैं, समय समय पर बहुत से आप लोग कार्यक्रम अपने गुरु और अपनी गुरु माता के साथ आपने, और ये भी एक सच्चाई है कि हरी मिर्च और शम्मा तिवारी दोनों के जब साथ आने से आपके गुरु का हौसला भी बढ़ा है और उनका एक नाम भी रोशन हुआ है, ये भी सच्चाई है। आप अगर हम बात करते हैं तो आपका नाम हरी मिर्च आपके गुरु ने क्यों रखा था? ओ, गुरुजी ने बताया मैं हरी मिर्च ज़्यादा खाता था छोटा सा तब। अभी तो भी खाते हो? अब भी खाता हूँ लेकिन पहले ज़्यादा खाता था। तो हरी मिर्च खाने के बाद में गुस्सा कितना आता है आपको? गुस्सा नहीं आता मुझे। नहीं आता? नहीं, बड़ा शांत स्वभाव का आदमी हूँ और मैं थोड़ा मतलब ऐसे चंचल था, थोड़ा चटपटा सा, तो गुरुजी ने हरी मिर्च नाम रख दिया मेरा। तो अगर आप हरी मिर्च खाते हैं तो हरी मिर्च तल के खाते हैं या फिर चटनी बना के खाते हैं? टेम पोजीशन मिल जाए उसी खा लें, जैसे टेम पे मिल जाए वैसे। दूसरी, अगर आप बात करें कि आपका नाम प्रसिद्ध हो चुका हरी मिर्च के नाम से, अभी जैसे आपके गुरु ने बताया हमें कि लाल मिर्च के नाम से भी काफ़ी उनके शिष्य हैं, आपके परिवार में और कौन कौन सदस्य हैं जहाँ से आप अपने गुरु के पास आए? मेरे परिवार में मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं और बड़ा भाई है। क्या करते हैं बड़े भाई?
बड़े भाई छत्तीसगढ़ एयरपोर्ट पे टेक्नीशियन है जो मुख्यमंत्री के उसमें हेलीकॉप्टर में, और जो पापा है वो फार्मर है, मम्मी हाउसवाइफ। वैसे अच्छी बात है छत्तीसगढ़ आपने नाम लिया, क्योंकि मैं भी छत्तीसगढ़ पढ़ाई करके आया हूँ, रायपुर पढ़ता है वहाँ पे। हाँ, मैं भिलाई में था, मैं भिलाई में जी था। जी। ये जो आपने बाल बढ़ा रखे हैं, एक अलग स्टाइल आपने ले रखी है, इसके पीछे क्या कारण? ये गुरुजी, मेरा तो मन करता है मतलब मैं कटवा लूँ, पर गुरुजी बोलते हैं नहीं, जो भीड़ में नहीं चलना चाहिए, थोड़ा अलग, जो भी डिफरेंट और भी कुछ करवाने कहते हैं मैं मना कर देता हूँ, बाकी ये गुरुजी की वजह से मैंने बढ़ा रखा। आप कभी थकते नहीं है? थकता तो भाई इंसान को बैटरी थोड़ी ला रही है, सब थकते हैं, बाकी ये है स्टेमिना पब्लिक को देख के, उनका प्यार देख के, तो मतलब रिचार्ज हो जा रहा है। ये जो आपने अभी बैटरी का आपने बताया, कहीं ना कहीं गुरु ने आपके बैटरी भी लगा रखी होगी, कहीं ना कहीं बैटरी, जो गुरु का आशीर्वाद होता है वो एक बैटरी, एक ऊर्जा का ही काम करता है, तो हाँ गुरु जी ने बैटरी लगा रखी, बैटरी लगाई हुई है आपकी, गुरु माता ने भी कहीं ना कहीं बैटरी लगा रखी होगी, गुरु माता सेल डाल रखे, सेल डाले हुए हैं, अच्छी बात है, क्योंकि बिना गुरु माता और बिना गुरु आधा ज्ञान अधूरा होता है, इसलिए उन्होंने आपको अपना बेटा मान करके आपको लेके आए हैं, बहुत 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 अच्छा काम उन्होंने आपके साथ किया है ये। दूसरा, अगर आप जब कार्यक्रमों में जाते हैं, इससे पहले आप अपनी तैयारी करते हैं या कैसे काम करते हैं? जैसे जो रागनी होती है अपनी पुरानी, पंडित दादा लक्ष्मीचंद हरियाणा के अपने सूर्य कवि हुए, उनकी रागनी पंडित मांगे राम जी, जैसे रागनी तो हमें याद करनी पड़ती है, लेकिन जो हम वार्तालाप जो बोलते हैं, जो स्टेज पर जो वाक्पटुता जो हमारी होती है, उसकी कोई तैयारी नहीं, ऑटोमेटिक आती है ये। आप भी समय समय पर जो बीच बीच में चुटकले ले आते हैं, हंसी का जो एक चुटकले हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिक दिमाग में आते हैं या फिर आप रटते हैं पहले उनको? चुटकलों की कोई फैक्ट्री नहीं, कोई दुकान नहीं, आज तक मैंने इसे आदमी देखे भाई, इनको मैंने 150 रागनी लिख दी, 150 किताब लिख दी, ऐसा कोई आदमी नहीं मिला भाई, 200 चुटकले लिख दिए, 2 किताब लिख दी चुटकले की, बाकी ये चुटकले अपने आपसी जीवन में घटते और बढ़ते रहते हैं, उन्हीं के माध्यम से एक दूसरे को देख देख के चुटकले आपस में बढ़ जाते हैं, मतलब आप जैसे जो जनता सामने है उन्हीं को देखते हुए आप चुटकले ऑटोमेटिक बन जाते हैं ये सारा का सारा। आप जैसे कार्यक्रम करते हैं, आप क्षेत्र की जनता के बीच में जाते हैं, तो जब क्षेत्र की जनता में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी हौसला, जैसे आज भी हमने देखा कि बार बार जनता के बीच से एक फरमाइश आ रही थी कि भाई हरी मिर्च को लेके आओ, हरी मिर्च को लेके आओ, तो कहीं ना कहीं हौसला तो बढ़ता होगा। बिल्कुल, पब्लिक को ये प्यार देके मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि काफ़ी छोटे से, जब मैं छोटा था तभी मैं देखता था, मतलब अभी बड़े हो गए आप, मतलब पहले ज़्यादा छोटा था ना, अब तो किशोर हो गया, पहले अभी उम्र कितना है? मेरी उम्र 17 में लग गया 25 अगस्त। अरे आपने 18 साल से नीचे इतना मुकाम हासिल कर लिया, हम 35 साल में भी नहीं कर पाए हो। जी, वो किस्मत है परमात्मा, पिछले जन्म का कुछ लेख संस्कार ऐसे होते हैं, मैंने पिछले जन्मों को गौदान करी होगी, जैसे गुरु जी मिले, गुरु जी कृपा से आज ही ना। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपके गुरु कोई ऐसी मिस्त्री कहाँ से लेके आते हैं वो, जिस जो मतलब कि आपके जितने भी जो साथी शिष्य हैं आपके, सबके गले में वो एक प्यार टपकते हैं? वो गुरुजी का प्यार है जो हमारे गले के प्रति, गले में उभर के टपकता है, मिश्री कोई कुछ नहीं। गुरुजी तो हम जैसे कोई बोलते हैं गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए उनसे, आवाज़ ख़राब, खटाई मिठाई गुरुजी हमें खिला देते हैं, उससे कोई वो आवाज़ पर रियाज और ठंडे गर्म का परहेज, यही एक मतलब गले में थोड़ा निखार आता है, चमक आता है, बाकी यही मिश्री काम करते हैं। दूध कितना पीते हो दिन में? दूध जैसे मैं गाँव में रहता था तब तो काफ़ी पीता था, लेकिन अब गुरुजी के पास आके जैसे लिमिटेड, सब बाहर से आते हैं, शहर में रहते हैं, तो पी लूँ एक गिलास सुबह एक शाम। लूणा घी खाते हो? लूणी घी कोई भैंस थोड़ी बन रही है, बाकी ये है घर से वो जो घी जो तैयार हुआ होता है ना। घर कब जाते हो? घर जैसे कोई त्यौहार हो गया, कोई फंक्शन, वैसे मम्मी पापा की याद आई, एक दो दिन बीच में जाता रहता। तो किससे जाते हो घर? बस में बैठ के जाते हो, गाड़ी लेके जाते हो, वहाँ आपको रिसीव कौन करते हैं? गुरुजी छोड़ के आते हैं। गुरुजी खुद छोड़ गए तो घर ही जाते हैं। जब आप अपने गाँव जाते हो, आपका इतना नाम प्रसिद्ध हो चुका है सूत्री क्षेत्र के अंदर में, आप जब गाँव में जाते हो तो गांव के लोग भी बड़े सम्मान के साथ बात करते होंगे? बिल्कुल, बड़े सम्मान से, मुझे तो कई बार गांव के लोगों ने सम्मानित भी करवाया वहाँ पे, जो बड़े प्यार से इज्जत से, मतलब ऐसे बात नहीं करते, मैं बच्चा हूँ ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं बड़ा आदमी कोई 70 साल का। नहीं, वो आपने उस गांव का नाम रोशन किया है, आप अपने माँ का भी नाम रोशन किया है, बाप का भी नाम रोशन किया है। न्यूज़ टुडे हरियाणा इसके माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और जो हमारी रागनियाँ हैं। मेरा नाम पता है आपको? आपका नाम मुझे नहीं पता। फिर क्यों नहीं ले रहे? मेरा नाम पंकज यादव है जी। मेरा भी नाम ले दो यार। जी, पंकज यादव हमारे रिपोर्टर साहब हैं, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, इतने अच्छे दर्शकों से आपसे मुखातिब हमें करवाया, और मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा भी अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे हम सब कलाकारों पर बनाए रखना, जो कोई नई चीज़ आपको कोई पसंद नहीं आए, कोई बढ़िया नहीं लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसमें सुधार करेंगे और अपना प्रेम ऐसे ही बनाए रखें दर्शकों के लिए। एक बड़ा मैसेज हरी मिर्च का,
कि अगर हमारी कोई बातें आपको पसंद नहीं आती हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे पास भेजिए ताकि उनका हम सुधार कर सकें। एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए एक, क्योंकि जो गायकार जिसने इतनी बुलंदी हासिल की हुई हो और वो गायकार आज भी ये कह रहा है कि हम अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, अभी बहुत कुछ सीखना है, और हमारे जो दर्शक हैं वो दर्शक हमें जो जो हमारी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए हमें एक मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें ताकि हम उनको सुधार कर सकें। ये चीज़ें बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है, क्योंकि जब इतने मुकाम पे कोई आदमी पहुंच जाता है, एक छोटी सी उम्र में इतना एक लड़का इतने मुकाम पे पहुंचता है, तो जाहिर है कि उसके दिल और दिमाग के अंदर में अभी भी किसी भी प्रकार का कोई अहम नहीं आया है, आज भी वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये थे हमारे पास में हरी मिर्च के नाम से प्रसिद्ध हरियाणा के कलाकार, जिन्होंने अपनी एक संगीतमय वाणी दर्शकों को हमेशा उनको एक इनके नाम से खींचे चले आते हैं। मैं न्यूज़ टुडे हरियाणा के लिए पंकज यादव अटेली से।